हेलो एवरीवन माय नेम इज़ रमित एंड यू आर वाचिंग चैनल एमिनेंस एड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द बर्निंग क्वेश्चन अबाउट कनाडा दैट इज़ वेदर यू शूड अप्लाई फॉर कैनेडा इमिग्रेशन नाउ और नॉट सो फ्रेंड्स जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स कनाडा जाना चाहते हैं कनाडा में सेटल होना चाहते हैं उनका एक ड्रीम है कि वो कैनेडा में अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं उनका सबका एक क्वेश्चन है कि क्या उन्हें अब कैनेडा अप्लाई करना चाहिए या नहीं आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे एक क्वेश्चन हैं उसके बारे में बात करेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे को क्या इमिग्रेशन ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं ये भी बात करेंगे और क्या फ्यूचर है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जैसे कि आप सब जानते हैं कि लेटेस्ट अभी कनाडा ने एक एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ कंडक्ट किया है जिसमें कनाडा ने 7000 थाउजेंड इन्विटेशन सबसे लार्जेस्ट ड्रॉ है एक्सप्रेस एंट्री का विद द स्कोर मिनिमम सी ऑफ 490 रिलीज किया है और जैसा आप जानते हैं इस टाइम पे अल्बर्टा मैनिटोबा ऑन्टारियो सारे प्रोविंस ने अपने ड्रॉस कंडक्ट करे हैं अगर यही हम देखें अल्बर्टा के इनविटेशन एट द स्कोर ऑफ 301 हंड्रेड एंड वन विच इज ऑल टाइम लोएस्ट अगर हम देखें ये ट्रेंड्स को तो ऑफकोर्स कैनेडा का जो इमिग्रेशन ट्रेंड है वो एक काफी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है एंड चांसेस ऑफ गेटिंग कनेडियन रेजिडेंसी आर रियली हाई बट कैंडिडेट्स के माइंड में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि क्या हमें कैनेडा का इमिग्रेशन अब अप्लाई करना चाहिए क्या उनका वहाँ पर फ्यूचर है क्या वे आउट है जिसके थ्रू कैनेडियन इमिग्रेशन उन्हें मिला जा सकता है कैनेडा में कंडीशन क्या है कैनेडा के इमिग्रेशन ट्रेंड्स क्या कहते हैं और क्या उनके लिए क्या पॉसिबल प्रॉस्पेक्ट्स है जिसके थ्रू उन्हें कैनेडा में इमिग्रेशन मिल सकता है सो so, सबसे पहले अगर हम देखें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या उन्हें कनाडा में अप्लाई करना चाहिए या नहीं जैसे कि आप आप सब जानते हैं जो भी हमने लास्ट ड्रॉ को डिस्कस किया है कनाडा ने बहुत सारे इन्विटेशन निकाले हैं जब से 2023 चालू हुआ है कनाडा ने क्वाइट अ गुड लेवल पे इन्विटेशन रिलीज करे हैं कनाडा ने काफ़ी सारे इन्विटेशन निकाले हैं चाहे आप पी पी की बात करें या आप एक्सप्रेस एंट्री का देखें तो ऑफकोर्स इन्विटेशन रिलीज़ हुए हैं एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि कैनेडा ने इनिशियली एक अनाउंसमेंट करी थी जहां पर कैनेडा ने बताया था कि उनको काफ़ी सारे इमिग्रेंट्स इस ईयर कैनेडा में रिक्वायर्ड है बिकॉज वहां पर लेबर शॉर्टेज हो गई है इस लेबर शॉर्टेज के चलते वहां की गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा स्टेप उठा रही है जहाँ पर वो इमिग्रेशन बहुत अच्छे लेवल पर इन्विटेशन को रिलीज़ कर रही है इमिग्रेशन प्लान्स को बढ़ा रही है एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कनाडा इज़ वन ऑफ द इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री सो इन माई ओपिनियन यू शुड नॉट वेट एंड रदर दैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर कैनेडा इमिग्रेशन अनदर क्वेश्चन जो लोगों का माइंड में रहता है कि कनाडा में क्या प्रॉस्पेक्ट है कनाडा के प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं कनाडा में काफ़ी स्कोप है क्योंकि वहाँ लेबर शॉर्टेज हो गई है ऑफ कोर्स अगर आप एक टैलेंटेड हैं यहाँ पर स्किल्स पॉजेस करते हैं जो कनाडा में शॉर्टेज चल रही हैं आप अपना अच्छा आयल स्कोर कर सकते हैं इमिग्रेशन में अगर आप इमिग्रेशन पूल में कम्पीट कर सकते हैं ऑफ कोर्स फ्यूचर आपका काफ़ी ब्राइट है प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी हाई हैं आप इजीली कनाडा में इमिग्रेशन ले सकते हैं एक काफ़ी बर्निंग क्वेश्चन आता है कि सर एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर काफ़ी हाई जा रहा है हमारा कैसे इमिग्रेशन होगा उस केस में सर so, अगर आप देखें लेट्स से आप एक कैंडिडेट हैं जिसने कैनेडा में अप्लाई करा हुआ है अप्लाई करने के बाद आपका एक सी निकल के आता है आपका सी काफ़ी हाई नहीं है उस केस में आपको वरी नहीं करना पी कैन वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर दैट कनाडा में पी होती हैं हर प्रोविंस अपनी खुद की पीआर निकालता है उनकी खुद की प्रोवेंशल नॉमिनी प्रोग्राम होता है उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है आप जाके उसे देख सकते हैं पी अप्लाई करने में या पी जो सैक्शन होती है जो भी पी से आपको नॉमिनेशन मिलता है उसके कहीं फैक्टर्स होते हैं हर प्रोविंस अपनी लेबर शॉर्टेज पॉइंट्स और वहाँ पर कनेक्शन टू दैट पर्टिकुलर प्रोविंस उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको पीएनपी देता है मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक कैंडिडेट है आपने अप्लाई किया हुआ है आपका स्कोर कम है बट आपका स्किल्स बहुत अच्छे हैं अगर आप वहाँ पर कनाडा में कोई भी एम्प्लॉयर कनेडियन एम्प्लॉयर के पास जॉब्स अप्लाई करते हैं इन केस आपको इंटरव्यू कॉल आता है एम्प्लॉयर इज सेटिसफाइड विद एवरी थिंग यू प्रोसेस उस केस में वो आपके लिए एक पॉजिटिव एल एम देता है एल एम आई एज अ स्पॉन्सरशिप बानेडियन एम्प्लॉयर अगर वो आपको एक पॉजिटिव एल मिल जाता है उस पर्टिकुलर प्रोविंस से ऑफ़ कोर्स इन दैट केस गेटिंग अ एन पी इंक्रीज़ेस उसके चांसेस बढ़ जाते हैं और उस केस में आपको कनाडा का इमिग्रेशन मिल जाता है मेरी एक ओपिनियन है कि अगर आप कनाडा जाने में इंटरेस्ट रखते हैं डू मेक योर कनेडियन एप्लीकेशन आप अपना कनाडा का एप्लीकेशन लगाइए उसको डिले मत करिए जो भी उसके अंदर अगर कोई आपकी फैमिली कॉम्पोजिशन पर चेंज है या अगर आपका आई स्कोर एक्सपायर हो उसको अपडेट कीजिए उसको नया एग्ज़ाम दीजिए उसको अपडेट करिए अगर आपने कोई न्यू डिग्री करी है उसको आपने इसी में एड करवाइए कोई भी चेंजेस है आप आई को इन्फॉर्म करें और कैनेडा के अपने केस के अंदर उसके अपडेट करवाएं बिकॉज़ यू नेवर नो क्योंकि जो ये ट्रेंड देखने को मिला है पॉजिटिव कैनेडा का ये अब हमें कॉन्टीन्यूस देखने को मिल सकता है अगर कैनेडा इसी ट्रेंड को फॉलो करता है तो जो इमिग्रेशन कैनेडा का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है इस केस में जो भी कैंडिडेट्स कैनेडा जाने का एक ड्रीम रखते हैं उनके लिए बहुत ईजी है कि वो वहाँ पर सेटल हो सकते हैं एक दूसरा क्वेश्चन हमें काफ़ी सुनने में मिल रहा है कि सर कनाडा में कंडीशंस क्या है कनाडा में कंडीशंस ठीक है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ऑफ़ कोर्स ऑफकोर्स रिसेशन आया है तो रिसेशन सब कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं बट इट इज़ नॉट टू बी वरीड अबाउट बिकॉज कैनेडा में ऑलरेडी जो लेबर शॉर्टेज है और इसी रीज़न से कैनेडा इमिग्रेशन काफ़ी ज़्यादा लेवल पे आई निकाल रहा है इन माई ओपिनियन कैनेडा में कंडीशन स्टेबल हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इज जस्ट अ मैटर हाउ यू मेक एन एप्लीकेशन आपके पास कौन से स्किल सेट है आपका वर्क एक्सपीरियंस किस फील्ड में है आपके पास क्या एजुकेशन है आप कितने क्वालिफाइड हो एंड द राइट टाइम यू मेक एन एप्लीकेशन बिकॉज काफ़ी बारी ऐसा देखा गया है कि जैसे आप जानते हैं पहले इन्विटेशन काफ़ी हॉल्ट थे लोगों ने इमिग्रेशन में अपनी अप्लाई फाइल नहीं करी थी बाद में देखा गया था एकदम से कैनाडा इन्विटेशन रिलीज़ करे थे तब उनको पता चला कि सर मेरा तो इतना स्कोर बनता था बट मैंने फाइल ही नहीं अप्लाई करी तो मैं रह गया तो इस ये सिचुएशन आपके साथ ना हुए इट्स बेटर टू मेक एन एप्लीकेशन एस जो भी लोग ऑलरेडी कनाडा में बैठे हैं वेदर ऑन द स्टूडेंट वीजा और ऑन द वर्क परमिट उनके लिए तो बहुत ही ब्राइट है क्योंकि कनाडा काफ़ी अच्छे लेवल पे इमीग्रेशन दे रहा है एंड ऑफ़ कोर्स बिकॉज यू आर ऑलरेडी सिटिंग इन कनाडा आपके लिए जो चांसेस हैं टू गेट द कनेडियन इमिग्रेशन आर रियली हाई एंड जो लोग भी कैनेडा का इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं अपनी होम कंट्री से आफ्टर सीइंग दिस ट्रेंड ऑफ इनविटेशन जो अभी आया है एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ और जो पीएनपी के ड्रॉस कंटिन्यूसली जो कैनेडा कंडक्ट कर रहा है ऑफ कोर्स जो भी लोग अपनी होम कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनके लिए भी सिचुएशन बहुत पॉजिटिव हो चुका है कैनेडा आप अप्लाई करिए क्या पता अगर आपके सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हो गए तो उस केस में आपको इमिग्रेशन मिल सकता है आपको ईजीली इन्विटेशन आ सकता है अगर हम फ्यूचर की बात करें तो ऑफकोर्स फ्यूचर इज़ अनप्रडिक्टेबल आगे कुछ नहीं पता कब कहाँ क्या हो सकता है बट अगर हम नियर फ्यूचर की बात करें कैनेडा के इमिग्रेशन के इमिग्रेशन के टर्म्स पे तो जैसे ये जो ट्रेंड देखने को मिला है कॉन्टीन्यूसली अगर कैनेडा इस तरीके के इन्विटेशन निकालता है इस केस में फ्यूचर बहुत ही अच्छा है जो भी लोग कैनेडा अप्लाई करना चाहते हैं उनका काम ईज़िली बन सकता है आई थिंक अब आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली कैनेडा को क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं मेरा एडवाइस है कि जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं कैनेडा में सेटल होने का उनको जल्दी से जल्दी अपनी एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन गेट इन टच विद अस आई ड्रॉप माय कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन एरिया डू सब्सक्राइब टू आर चैनल दैट इज चैनल एमिनेंस एडियू डू हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक अर वर्क Please share this video with the maximum number of people. Thank you and thanks for watching.